हाय दोस्तों नमस्कार। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं रीजनिंग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले अपन इनका मीन याद करते हैं क्या होता है इसका मतलब। अक्षरों को कोड के अनुसार व्यक्त करना। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी एबीसीडी के डिजिट हैं 26 उनको अपन कोड के अनुसार याद करेंगे कि उनका नंबर क्या है। जैसे ए का एक नंबर है, इसी तरीके से एम का 13 नंबर है, फिर 14 इससे उल्टा लिखना चालू कर दिया मैंने और 26 तक लिख दिया। इनको कोड के अनुसार आपको याद करना, ये बहुत काम आते हैं। ट्रिक में अपन एक सूत्र है इजोटी, और इजोटी में क्या होता है, ई का कोड 5, जे का 10, इस तरीके से 25 तक कोड दे दिए। और इसका फायदा क्या है, इसको याद करने से अपन को किसी का अगला अक्षर निकालना होता है तो अपन इसको इजीली निकाल सकते हैं। इसके अलावा विपरीत क्रम, जैसे यू का उल्टा एफ, एल का ओ, वी का ई, बी का वाई, एस का एच, आई का आर और टी सी, ये हमें विपरीत कोड में भी याद करना पड़ेगा। जैसे अगर अपन सवाल करें एक, तो क्वेश्चन नंबर एक है कि बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से 22वीं का मतलब है टी 20वां है, तो अपन कर सकते हैं टी प्लस 2। अब यहां पे चेक करो टी कहां है, टी प्लस 2 क्या हो जाएगा, बराबर वी। एक और क्वेश्चन कि बाएं से 16, अब हमें यह पता है कि बाएं से 15वां ओ होता है, तो ओ के एक अगला, तो अपन कह सकते हैं ओ प्लस 1, और ओ के अगला कौन सा है, पी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है कि किसी कुट भाषा में, जैसे एच ए एन डी है हैंड, किसी कुट भाषा में हैंड को क्या लिखता है, ये आई बी ओ ई, किसी कुट भाषा में हैंड को आई बी ओ ई लिखता है, तो सिल्क को क्या लिखेगा, एस आई एल के, सिल्क को क्या लिखेगा, ये देखो एच और आई में क्या रिलेशन है, प्लस 1 है, एच आई ए बी, तो इसका भी अपन सबका प्लस 1 निकाल लेंगे। तो एस का प्लस 1 क्या होता है, टी, आई का जे, एल का एम और के का एल, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, किसी कुट भाषा में डब्ल्यू आर आई टी ई राइट को क्या लिखता है, ये विक क्यू, एच एस ओ, ये लिखता है एस डी सॉरी, तो माइट को क्या लिखेगा, ठीक है एम आई जी एस टी, माइट को क्या लिखेगा। अब इसमें आप समानता देखिए कि W और V में पहले कौन आता है, V और फिर W, यानी ये चीज एक इसकी माइनस 1 है, तो इसका भी माइनस 1 निकालिए। M से पहले क्या आता है, L, I से पहले H, G से पहले F, H से पहले G और T से पहले S, इसका उत्तर हो गया L H F G S। ऐसे एक और अपन क्वेश्चन लें क्वेश्चन नंबर 5, किसी कुट भाषा में M O T H E R S मदर्स को लिखता है S R E H T O M, तो इस कुट भाषा में ये सिस्टर को क्या लिखेगा। अगर अपन वैसे रिलेशन क्रिएट करने की बात करें कि भाई M और S में क्या रिलेशन है, तो मेरे हिसाब से दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगा लें कि यहां जो लिखा गया है, ये मदर्स को इसने उल्टा करके लिख दिया, चेक करो आप, एस पहले फिर उसके बाद आर फिर ई, इससे हमको सेम इसको उल्टा कर दिया, तो इसको भी अपन को उल्टा ही करना है जैसे, तो ये हो जाएगा आर ई टी एस आई एस राइटसिस। इसके बाद अपन और सवाल करते हैं इसके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किंग है, के आई एन जी, किंग को ये क्या लिखता है, पी आर एम टी लिखता है किंग को, तो रेन को क्या लिखेगा, आर ए आई एन, किंग को पी आर एम टी कैसे लिखा इसने, कि ये इसका उल्टा ले रहा है,
के का उल्टा पी, आई का आर, तो यहां भी अपन इसको उल्टा करेंगे, तो आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर, एम का उल्टा एम, तो इसका उत्तर क्या आ गया ये। इस तरीके से एक और सवाल ले लेते हैं कि कोई कुट भाषा है और उसमें सी एच ए आई आर चेक को 5 3 2 1 4 मिलता है और ईयर को 7 2 9 लिखता है, तो हेयर को क्या लिखेगा, एच ई ए आर को क्या लिखेगा। इस तरीके के सवाल जैसे इजी होते हैं, आप देखिए इसमें प्रत्येक अक्षर का कोड दे दिया, इसमें जरूरी नहीं है कि वो वर्ण क्रम के अनुसार हो, ये जरूरी नहीं है, सिर्फ उसने लिख दिया। यहाँ पे ईयर सिर्फ टू सिर्फ अपना ईयर आ रहा, तो 729 तो अपने के लास्ट में आएगा, प्लस यहाँ पे एच हो रहा है, एच का कोड 3 है, तो ये आ जाएगा 3729। इस तरीके से अपन और सवाल करते हैं, जैसे कोई कुछ भाषा है उसमें सी ए टी कैट को ये 24 लिख रहा है और एस ए डी सेट को भी ये 24 लिख रहा है, तो ये एस एच ई सी को कितना लिखेगा। अब अपन को क्या ध्यान रखना है, अपन को चेक करना है कि देखो जैसे अपन अगर इसका क्रमांक जोड़े तो क्रमांक क्या क्या है, इसका 1, इसका 3 प्लस इसका कितना आ रहा है, टी का कितना है क्रमांक 20, तो 20 24 बन रहे। इसके बाद देखो ए का 1, डी का 4 और एस का 19, कितने बन रहे 24, तो आप इन सब के क्रमांक लिख दीजिए। एस का क्रमांक कितना है 19, ई का 5 और एच का क्रमांक कितना है 8, 8 5 13 और 19 कितने हो गए 29, तो इसका आंसर आ जाएगा 29। इस तरीके से कई बार आपको सीधे डिजिट पे भी दे देता है। अपना नेक्स्ट सवाल रहेगा